आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज का सबक नंबर 29, सुस्ती और चालाकी। जो आदमी वक्त पर काम नहीं करता वह सुस्त या काहिल कहलाता है। ऐसा आदमी इज्जत या नेक नामी हासिल नहीं कर सकता। यह खराब आदत इसको हमेशा जलील और ख्वार रखती है। सुस्त आदमी अक्सर ख्याल करता है कि अभी वक्त बहुत है, जरा जरा ठहर कर काम शुरू करेंगे। इसी सोच विचार में काम का वक्त निकल जाता है। चालाक आदमी वक्त को नहीं टालता, वह फौरन अपने काम में मशगूल हो जाता है। जब तक काम को पूरा नहीं कर लेता उसके दिल को चैन नहीं आता। ऐसा आदमी हमेशा इज्जत पाता और फायदा उठाता है। जो लड़का सुस्ती और काहली में अपना वक्त खो देते हैं वे रोज का सबक रोज याद करके नहीं लाता, उस्ताद को अच्छी तरह अपना वक्ता नहीं सुनाते, इसी वास्ते सजा पाते हैं। अगर तुम एक लायक तालिब इल्म बनना चाहते हो तो अपने आप को काहली की खराब आदत से बचाओ। सुबह सवेरे आँख खुल जाए तो पड़े पड़े करवटे न बदला करो, फौरन बिस्तर से अलग हो जाओ और अपने काम में जी लगाओ। वक्त इतना तंग नहीं जितना तुम काहली से उसको तंग बना देते हो। वक्त में तंगी फरागी दोनों हैं जैसे रबड़। वक्त में तंगी फरागी दोनों हैं जैसे रबड़, खींचने से बढ़ती है छोड़े से जाती है सुकड़। अल्फाज मानी, मशगूल काम में लगे रहना अमवक्ता पड़ा हुआ सबक, फरागी कशीदगी खुलापन, मुकदमा झगड़ा नालिश, कौल कहना बात, ताजी ताजी अरबी घोड़ा, फैसला समझौता तुर्की तुर्का। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई बढ़ाएं। शुक्रिया।